अच्छा गाइस, लास्ट वीक मेरे को कोविड हो गया। जो जो इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा। एंड मैंने 2 वीक से चैनल पे कोई वीडियो नहीं पोस्ट करी। एंड इससे पहले कि यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरे चैनल को आग लगा के तबाह कर दे, मैं कुछ भी बना रहा हूँ। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से नमन है, ये जो भी है जैसा भी है इसे बर्दाश्त करे, स्वीकार करे, धन्यवाद। पता है फिल्मों की एक बात जो मुझे बहुत पसंद है ना, कि आपको चीजों का वो यूज भी पता चल जाता है जिनके लिए वो कभी बनी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक गमछा, एक गमछे का क्या यूज होता है? गले में डाल के शो ऑफ करने के लिए, घर की सफाई करने के लिए, अपना खुद का करियर खत्म करने के लिए। ऐसे बहुत सारे और नॉर्मी यूजेस हो सकते हैं एक गमछे के, लेकिन फिल्मों में गमछे का एक अलग ही यूज है। Hey, I'll come look at this. मिथुंदा इज गॉड, ये तो हमें पता था लेकिन आज हमने देख भी लिया है। देखिए गाइस, जहां पे हर विलन के पास एक तेज तर्रार चाकू तलवार जैसा कोई वेपन था, मिथुंदा ने सिर्फ गमछे से इस विलन की गर्दन काट दिया। हाँ भाई, मुझे पता है तू बहुत शौक में है, हम भी बहुत शौक में है, हमें भी नहीं समझ आया ये कैसे हुआ, गमछे से गर्दन काट दी। दिस इज बियॉन्ड साइंस। और मिथुंदा यहीं पे नहीं रुकते हैं, यहाँ पे देखिए ये दंत मंजन दिया है इन्होंने गमछे से और उसका मुंह कट गया, दैट इज वेरी शॉकिंग। और अच्छा, यहाँ पे सीक्रेट रिवील हो गया, गमछे के अंदर ब्लेड थे और ये गमछा घुमाया और चारों के चारों विलन नल्ले तो होते ही हैं विलन, और यहाँ पर नल्ला बना दिखाया मात्र गमछे से, सिर्फ गमछे के एक प्रहार से ये नल्ले जो चित हुए हैं। मिथुंदा आप भगवान हैं, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी, और क्या बोलने लग गया मैं। सो एनीवेज गाइस, ये तो अभी हमने देखा एक गमछे का उपयोग। ऐसे ही एक नलके का उपयोग अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए। लेकिन नहीं गाइस, अगेन मूवीज में नलके का एक अलग ही यूज होता है। नीरे ब्लैडर दीप आज तू है आई एम श्योर दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, बट रुको मेरी आंखें मेरे को केरोसिन से धोने दो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने क्या देख लिया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये तो लॉजिक इनटू 100 हो गया, क्रिंज इनटू 100 हो गया। वही पुराना कमरा है पर नई चेयर है, वही मैं अपनी सी शक्ल लेके एक बार फिर से आ गया हूँ गाइस। एंड अब जो हम अगला सीन देखने वाले हैं, हम बॉर्डर के इस तरफ से बॉर्डर की उस तरफ चलते हैं, पाकिस्तान के एक बहुत ही कमाल का एक्शन सीन। यार कितना मुश्किल हो सकता है एक बंदा जो एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करके नमाज पढ़ रहा है उस पे गोली चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ भाई मूछों वाले गंजे, बहुत बड़ा शार्प शूटर है रे तू, तेरे से ऐसा स्टैटिक टारगेट तो हिट ना हो रहा, तू बनेगा बहुत बड़ा शार्प शूटर है। ऐसे कैसे चलेगा दीदी, शेम ऑन यू मूछों वाले गंजे। और एक बात बताओ, ये गोली चलती तो है, इसकी गोली से निकलती है फिर ये इंसान को डॉच करके ये पीछे दीवार में जाके, ये क्या हो रहा है भाई? 2 इंच की गोली से दीवार में एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोड हो जाएगा भाई। यार ये मूछो वाला गंजा कोशिश भी क्यों कर रहा है? नहीं, वाई आर यू इवन ट्राइंग ब्रो? तुमसे ना हो पाएगा। ओ यार, अब तक तो मैं फिर विश्वास कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से गोली डॉज हो रही है, अब ये क्या हाथों की शक्ति से गोली रोक दी है इसने बीच हवा में? ठीक है ओके, हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, अब इसने ये गोली को हाथ में पकड़ा है एंड बहुत ही केयरफुली एग्जामिन और इंस्पेक्ट करते हुए, बस कर जा यार सीरियसली, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। गोली को साइड में फेंका, बहुत ही ज्यादा थग लाइफ स्वैग का नजारा यहाँ पे। और अब ये बंदा खड़ा होगा और क्या करेगा? ऑब्वियसली जो गंजा नहीं कर पाया इतनी देर से, अब ये हीरो हमारा करके दिखाएगा, हाँ भाई देख गंजे ऐसे ऐसे चलाते हैं गोली, आया बड़ा शार्प शूटर।
अगर पिछले 20 सेकंड में घटित घटनाओं को देखने के बाद आप अपने खुद के अस्तित्व पर ही सवाले चिन्ह करने लगे हैं ना, तो भी मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, मैंने बहुत सारे भारी भारी भरकम वर्ड्स डाल दिए ताकि लगे कि मैंने कुछ बढ़िया सा बोला। अब इसी बात पे तालियां मारो। ये क्या हुआ, ये बाइक चलते चलते हवा में आई और एकदम से पेंटिंग बन गई और उसके बाद कहीं टेलीपोर्ट हो गई, ये मेरे को नहीं पता, मैं समझना भी नहीं चाहता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना सोचने जाऊंगा मेरा दिमाग फट जाएगा, मतलब कुछ भी। Stupendously fantastical बालकृष्ण जी चरण स्पर्श स्वीकार करे, आप पुरुष नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। इंसानी शक्तियों में ऐसा नहीं हो सकता, अपनी गर्दन से पूरी की पूरी सीढ़ी तोड़ देना। बालकृष्ण बाबा की, सारे बोलो जय। एंड बालकृष्ण बाबा के इस सीन में हम देखते हैं कि कुछ जंगली पागल कुत्ते बालकृष्ण बाबा को काटने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। ओ माय गॉड, बालकृष्ण बाबा पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे। और ये बालकृष्ण बाबा ने पीछे देख और बाबा बाबा बालकृष्ण बाबा, मैं आज से आपका सच्चा भक्त हूँ बालकृष्ण बाबा। बालकृष्ण बाबा की आंखों में से नीली नीली रेजेस निकली, कुत्ते हेल से हे हो गए। बालकृष्ण बाबा आप ऐसा कैसे करते हो जी? इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। हाँ ठीक है भाई, आपने दिखाया हमने मान लिया, क्योंकि क्या है, हम तो गधे हैं, हम गधे हैं, आप जो दिखाओगे हम वो लपेट लेंगे। रॉकेट लॉन्चर की भी कोई इज्जत तो है नहीं, जरूरत पड़ने के हिसाब से गाड़ी किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूम जाती है, तो लॉजिक सेंस इन सब की बात करना तो भाई खैर बेवकूफी है। इतना ही है आज दिखाने के लिए तुम लोगों को, कर दो वीडियो को लाइक, कर दो एक बीमार की आखिरी इच्छा तो नहीं है, इच्छा पूरी कर दो गाइस, मैं बीमार हूँ ना गाइस, वीडियो को लाइक करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बालकृष्ण बाबा की, सारे बोलो जय।